मुजफ्फरपुर के कुर्नी प्रखंड अंतर्गत मनियारी थाना क्षेत्र स्थित छितरौली गांव की है, जहां समूहमात महिला रामवती देवी से विवाद कर रहे राजेश राम सहित तीन लोगों को समझाने गए राम नारायण राम को विवाद छुड़वाना महंगा पड़ गया। मामले में बता दें कि राजेश राम सहित तीन लोगों ने मिलकर मकई, गेहूं और सरसों के कई एकड़ फसल को काट कर गिरा दिया, जिसे ग्रामीण ने रंगे हाथ पकड़ा। वहीं स्थानीय ग्रामीण रामविलास राम, दिनेश राम, सुनील राम सहित सैकड़ों लोगों ने सामूहिक हस्ताक्षर कर मनियारी थाना में आरोपी पर कार्रवाई को लेकर लिखित आवेदन दिया। मामला है, क्या कुछ हुआ है यहाँ पे? देख रहे हैं फसल हमको बर्बाद कर दिया। कौन बर्बाद किया है? राजेश राम। कहाँ के रहने वाला है? मुकसदपुर। क्या मामला है कि बर्बाद कर दिया, फसल काट दिया? समझाने गए वही अथी में गाली गलौज हो रहा था, समझाने गए गाली देने लगा, हम डर गए और रात में ही फसल की पूरे एक। क्या कुछ घटना हुई है? गाली दिया। कौन गाली दिया है? राजेश राम। मैंने यही आप ही के पड़ोस के लड़का है क्या? हाँ। क्या मैंने किस तरह के मामला हुआ है आपके साथ? साथ गाड़ी उड़ी दिलक है ना। मैंने आप विधवा महिला है? हाँ, विधवा महिला। हमको घर पर कोई मर्द नहीं रहा। बेटा उटा है कि नहीं? है तो बाहर रहता है। आपके घर में मैंने कौन कौन है? आपके परिवार में बेटी है? हाँ, एगो खाली हम बेटी है, एगो हम। तो बेटी के मैंने किस तरह से अभद्र व्यवहार वगैरह करता है वो? तो शादी वाद विवाद का ये हुआ, झगड़ा हुआ और उसके बाद रात में जा करके मकई, तोरी और गेहूँ दोनों को काट करके नुकसान रख दिया। उसके बाद उसको बांध दिया गया तो समाज कहे कि इसको छोड़ दीजिए और सुबह में इसका फैसला होगा। इसी के क्रम में जो है ना वो भाग करके चला गया और मुजफ्फरपुर में शायद केस किया है या नहीं किया है इसके बारे में हम अवगत अभी नहीं है जी। तो मैंने किन से हुआ था ये मामला लफड़ा? ये राजकुमार राम से हुआ था। तो सुनने में आया कि बीच बचाव करने गए इसी में जी। हाँ, वो जो है ना।